ये जो आपको कहा जाता है शबे जुमा अपने घरों को आबाद रखिए, बेटा कार्टून देख चुके, फिल्म देख चुके, सब कुछ देख चुके, आ जाओ ज़रा 15 मिनट दोगे, क्या काम है बाबा जान, पितर है बुजुर्गवार, बेटा ये घर के सहन में जाकर ज़ियारत वारसा में पढ़ूंगा, अपने हाथ में कार्ड लो ज़ियारत वारसा का, टोटल देखो बेटा 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद जो करना हो कर लेना, आप ज़ियारत वारसा पढ़ाइए, बच्चे पीछे पढ़ें, उसके बाद 5 मिनट में ज़ियारत वारसा ख़त्म हो जाती है। बेटा 5 मिनट की मजलिस, घड़ी देख कर 5 मिनट कह रहा हूँ मैं, खूब तवज्जो कीजिएगा, वो काम मत कीजिए कि आपके बच्चे मुझे बददुआएं दें कि मौलाना क्या नुस्खा बता के चले गए, चार आदमी मरसिया पढ़ रहे हैं, शब जुमा की मजलिस की बात कर रहा हूँ, कोई ये नहीं कि मौलाना इस मजलिस को, मजलिस एक एटमोसफियर फ़र्क करता है, शहादत की मजलिस है, सालाना मजलिस है, मोमिनीन की कसीर तादाद है, वो उसका डेकोरम अलग होता है, सिस्टम अलग होता है, हर हफ्ते जो मजलिस होती है, याद रखिएगा बरकत सैयदा को किसी तरह से अपने घरों में नाजिल कीजिए। लिहाजा बेटा देखो 5 मिनट की मजलिस है, 5 मिनट की ज़ियारत अशवारिस, 5 मिनट की मजलिस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दुरूद पढ़ा 3 दफ़ा, 2 दफ़ा, 1 दफ़ा, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीयक। घर के जो अफराद हैं, अगर घर में महरम नामहरम का मसला है तो उसका ख्याल रखते हुए मजलिस कीजिए, 5 मिनट में मजलिस ख़त्म हो जाए, खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा। मैंने बाज़ जगह पर कहा तो लोगों ने उस मजलिस को 1 घंटे तक ले गए, बच्चे चिढ़ जाएंगे, बच्चे का ये मिजाज नहीं है कि वो 1 घंटे तक आपकी तरह बैठ सके। बच्चे अगर ज़रा सी शकील गुफ्तगु मैं यहाँ पर करूँगा, हमारे मेरे हम उम्र मेरे एज ग्रुप के मुझसे कुछ छोटे या बुजुर्ग तवज्जो के साथ सुनेंगे, बच्चा बोर होने लगेगा। बच्चा अपनी मिजाज के मुताबिक क्या चाहता है, किस्सा, इमाम का किस्सा, नबी का किस्सा,